अलवर में लॉर्ड्स ग्रुप की ओर से गरीब, निर्धन और असहाय बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, साथ ही इन बच्चों के रहने, खाने पीने और सारे खर्चे का वहन भी इसी संस्था द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए इस संस्था के चेयरमैन मनोज चाचान और डायरेक्टर राजेश भारद्वाज ने बातचीत की। हमारी संस्था तेजस, लास्ट ईयर हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें 75 बच्चे हमने इस संस्था में लिए हैं, जिनका खाना, रहना, किताबें, एग्जाम, कंप्यूटर सब कुछ फ्री, कोई किसी तरह का चार्ज नहीं, कपड़े धुलाई से लेके उनके पेन, पेंसिल, एवरीथिंग सब कुछ फ्री। वो बच्चे जब हमने लिए थे, वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने आप में हंसे ही नहीं थे, उनको ढंग से हिंदी भी बोलने नहीं आती थी, उनको ढंग से न खड़ा रहने आता था, न बात कर पाते थे, न उनको अच्छी तरह खाना खाने आता था। अब हमने एक साल में उन बच्चों में इतनी चेंजिंग आ गई कि वो इंग्लिश सॉन्ग भी गाते हैं, उनकी खाने की हैबिट, उनकी बातचीत का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका सब उनके अंदर एक साल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमें उससे बड़ा मोटिवेशन मिला। तो हमने अब दोबारा उस 100 बच्चे नए हमने लेना स्टार्ट किया है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो विधवा के बच्चे हों, जिनके पेरेंट्स नहीं हों, जो सैनिक के बच्चे हों, जो डाइवर्सी कोई लेडी हो उनके बच्चे हों, और जो गरीब परिवार के बच्चे हों, जो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं बट उनके पास पैसे का अभाव हो। तो ये हमारा इस साल 100 बच्चे लेने का, धीरे धीरे हम हज़ारों में इन बच्चों को ले जाना चाहते हैं और हम ये एक मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं, इसको दूसरे लोग भी हमें फॉलो करें और ऐसे स्कूल सरकार और अन्य संस्थाएं बनाएं जिससे देश को और तरक्की मिले और देश और आगे बढ़े। बेसिकली ये स्कूल 2019 में हमने स्टार्ट करने का प्लानिंग किया था तेजस यूनिवर्सल के नाम से, लेकिन ये दो कोविड की वजह से हमने स्टार्ट नहीं कर पाए 2019 में, और तेजस के नाम से जो हमने अप्लाई किया था गवर्नमेंट को, वो परमिशन नहीं मिली। तो हम लॉर्ड्स इंटरनेशनल जो स्कूल हमारा है, बहुत बढ़िया स्कूल है, 2006 से चल रहा है, उसी में हम पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को, इनका रहना, खाना पीना, नेल काटने से लेके हेयर कटिंग तक के सारे काम हम करते हैं, उनकी प्रॉपर केयरिंग, चाहे उनका बेड का हो, पढ़ाई का, लिखाई का सब करते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका मेन मोटो जो है वो ये है कि चेयरमैन सर का या मैनेजमेंट का ये तो भाई पैसे कमाने के लिए दुनिया भर के काम करते हैं, एक काम ऐसा समाज सोशल वेलफेयर के लिए करें जो समाज की सेवा जिससे हो सके। तो हमने गरीब, असहाय, निर्धन जो बच्चे थे, उनके परिवार में बच्चे थे, प्रायोरिटी हमने की कि जिनके दोनों नहीं हैं, मदर और फादर नहीं है, पहले उनको लेते हैं, फिर जिनमें से एक नहीं है वो लेते हैं, फिर सैनिकों के जो शहीद सैनिक हैं उनके बच्चे, फिर विधवा के, तलाकशुदाओं के बच्चे उनको लेंगे, और अलवर के बच्चों को प्रायोरिटी देंगे, और लड़कियाँ होंगी तो उनको भी प्रायोरिटी भी देंगे, उनकी बहुत अच्छे से हम केयरिंग करते हैं, उन बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो समाज में जा करके एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हमने कुछ सीखा है, वो स्किल्ड बच्चे होंगे, वो ट्रेंड बच्चे होंगे, उनको सारी नॉलेज होगी। तो एक अच्छा बच्चा जो एजुकेशन लेता है, बहुत बढ़िया अच्छे पैसे खर्च करके लेता है, उससे कहीं बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वो समाज में जाएंगे तो वो ये नहीं कह सकते कि कुछ आता नहीं है, एक्सीलेंट से एक्सीलेंट बच्चा तैयार करने की कोशिश करेंगे, उनका पूरा केयर करेंगे। अभी हमने 100 बच्चे लिए थे लास्ट ईयर, 100 बच्चे लेने की प्लानिंग थी लेकिन 75 लिए हमने, अब हम इस साल 100 और लेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 1000 से 2000 3000 तक जहाँ तक ले जा सकते हैं वो करेंगे। सर ने इसके लिए बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे वहाँ पे उड़ीसा में सर गए थे, वो स्कूल देख के आए थे जहाँ 10,000 बच्चा निःशुल्क एजुकेशन ले रहा है, उस तरह का एक अच्छा मॉडल स्कूल बनाने का हमारा प्लानिंग रहेगा, जिसमें 100% जॉब मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी जब तक हम